अच्छा अच्छा इसमें एलईडी इस तरह से टच वाली तो लाइट आजकल काफी ट्रेंडिंग में भी है। बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है। ये लैकर ग्लास लगा हुआ है ऊपर। अच्छा और ये सारा प्योर व्हाइट ग्लॉस कवर को रखा है। ये एसएस है। अच्छा अच्छा सर ठीक है। तो इसमें ड्रॉर्स भी है क्या? हाँ सर इसमें ड्रॉर्स भी है। अच्छा अच्छा ऊपर पूरा ग्लास लगा हुआ है। ग्लास के बाद इसके अंदर 10 दराज है। 10 दराजों के अंदर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग काम किया हुआ है। इसके अंदर से वो चश्मे रख लेंगे, इसके अंदर वो वॉच रख लेंगे सर। आई थिंक ये ग्लास का लग रहा है मुझको। हाँ सर ये सारा ग्लास वर्क किया हुआ है। 5 mm का ग्लास है ऊपर। ये लैकर वर्क किया हुआ है, लैकर पेंट है सर। और ये पूरा प्लाई के ऊपर पेस्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं सर बहुत बढ़िया। इसका बेस भी एसएस का रखा हुआ। हाँ सर ये भी 304 एसएस का बेस है पूरा पीवीटी कोटेड। वाओ बहुत बहुत बढ़िया। इसे पॉलिश कर रखी है इसके ऊपर? हाँ सर इसके ऊपर पॉलिस्टर पॉलिश की हुई है हमने। अच्छा पर ये मार्बल लगा रखा है तो इसकी जगह और कौन कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं? सर इसमें काफी सारी वैरायटी आती है। जैसे शुरुआत करेंगे हम कंपोजिट से। अच्छा उसके बाद फिर आएगा ओनेक्स, कंपोजिट ओनेक्स आएगा, फिर इटालियन, फिर ये आपका आ जाएगा नेचुरल। अच्छा तो हर एक तरीके का आपके पास ये मार्बल है मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाएगा। गाइज आज मैं आ चुका हूँ एक ऐसे फर्नीचर के शोरूम में जहाँ पर आपको फर्नीचर से रिलेटेड, होम फर्नीचर से रिलेटेड सारी आइटम मिलने वाली, वो भी कस्टमाइजेबल। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसोल है, डाइनिंग टेबल है, सेंटर टेबल है, हर एक तरीके का फर्नीचर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आज हम बात करेंगे और प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। तो सर मेरे को पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कि सेंटर टेबल के बारे में बताइए, क्या क्वालिटी रहती है इसकी? सर ये 304 एसएस इसमें लगी हुई है, इस पर पीवीटी कोटेड है। अच्छा। और ये 3x3 साइज है, पॉलिस्टर हो रखा है, ऊपर इटालियन मार्बल है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये बीच में जो लगा रखी है ये एसएस का वर्क है इसमें? ये सर हाँ इनले वर्क है, एसएस लगाई हुई है, इसको इनले वर्क बोलते हैं। अच्छा इसमें और भी डिजाइन हो जाएंगे। ठीक है। तो नीचे यहाँ पर एसएस का फ्रेम देख सकते हैं। तो इसके अलावा और भी डिजाइन है आपके पास फ्रेम में, अगर एसएस की फ्रेम की बात करें तो? हाँ सर और भी है, 3x3 का एक राउंड है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। मतलब और भी डिजाइन आपके पास मिल जाएंगे? बिल्कुल सर, और कस्टमाइज भी हो जाएगा सर, कस्टमाइज भी हो सकता है इसमें। अच्छा इस टेबल की बात करें तो सर इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें सर ये लैकर ग्लास लगा हुआ है ऊपर। अच्छा और ये सारा प्योर व्हाइट ग्लॉस कवर को रखा है। ये एसएस है। अच्छा अच्छा सर ठीक है। तो इसमें ड्रॉर्स भी है क्या? हाँ सर इसमें ड्रॉर्स भी है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो एक ड्रॉर्स यहाँ होगी, एक ड्रॉर आई थिंक वहाँ होगी। हाँ दो साइड है। ठीक है, दो तरफ इसमें ड्रॉर मिल जाएंगे। और ये कंसोल की बात करें तो इस कंसोल के बारे में बताइए। सर ये सारा प्योर हाई ग्लॉस वर्क हो रखा है। अच्छा ये नोब्स है, नोब्स की जगह आप हैंडल्स लगवा सकते हैं। ठीक है। एसएस की पत्ती लगी है, सारा HDMI लगा है, प्योर हाई ग्लॉस है। और इस तरह से इसके अंदर दराज है। ओके ओके। इस तरह से सर ये पल्ला खुल जाएगा। ठीक है जी ठीक है। और ठीक है, और अंदर भी फिनिशिंग है इसमें, तो एक बार खोल के दिखाना, मैं देख रहा था ये। और सर ये माइका लगाई हुई है हमने। सब लोग आजकल क्या करते हैं, डिको करके दे देते हैं। जी जी। तो हम फिनिशिंग के लिए सर माइका लगा के देते हैं। अच्छा अंदर भी इसमें माइका लगा रखा है और अच्छी फिनिशिंग के साथ काम किया हुआ है। तो ये सर कंसोल के बारे में बात करें तो? हाँ सर इसमें भी सेम मटेरियल है, सिर्फ इसका साइज छोटा है और उसमें ड्रॉर्स है, इसके अंदर पल्ले हैं, सेल्फ दिया हुआ है सर। मटेरियल सब सेम है सर। ठीक है। मतलब किसी भी तरीके से कस्टमाइजेशन, जैसे मान लीजिए हमारे व्यूअर्स आपसे अगर कुछ डिजाइन लाकर बनवाना चाहते हैं तो वो आप रेडी करवा देते हैं? हाँ सर कस्टमाइज हो जाएगा कोई भी डिजाइन है सर। अच्छा अच्छा। तो अगर हम सेंटर टेबल की बात करें तो इनका प्राइस रेंज कहाँ से शुरू हो जाती है सर? वो 12,000 रुपए से स्टार्ट है और आपका 40-45,000 रुपए तक एंड है। अच्छा अच्छा। कस्टमाइज भी हो जाएगा सर उसके अंदर। ठीक है ठीक है। और ये कंसोल अगर स्टार्टिंग प्राइस बात करें तो? सर कंसोल जो हमारे पास 17,500 रुपए से स्टार्ट है और 60-65-70 तक है। अच्छा अच्छा ठीक है। और इस कंसोल के बारे में बताइए, काफी अच्छा लग रहा है ये। आई थिंक ये ग्लास का लग रहा है मुझको। हाँ सर ये सारा ग्लास वर्क किया हुआ है, 5 mm का ग्लास है ऊपर। ये लैकर वर्क किया हुआ है, लैकर पेंट है सर। और ये पूरा प्लाई के ऊपर पेस्ट किया हुआ है। वाह आप देख सकते हैं सर, बहुत बढ़िया लग रहा है जी सच में। एक बार ये ड्रॉर खोल के दिखाएंगे मुझे? हाँ बिल्कुल सर, आप देख सकते हैं इस तरह से फिनिशिंग पूरी प्रॉपर देख सकते हैं, बढ़िया फिनिशिंग है, बहुत बढ़िया। और इसमें वुडन की बात करें तो वुडन कौन सी लगाते हैं सर? इसके अंदर प्लाई लगी हुई है, प्लाई के ऊपर शीशा पेस्ट किया हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो प्लाई आप सभी कंसोल्स में लगाते हैं अपने? हाँ जी सर बिल्कुल। ठीक है ठीक है। और यहाँ पर जो लेग्स देख रहा था मैं, लेग्स यहाँ पर ये एसएस के लगा रखे हैं? हाँ सर ये एसएस के लेग्स है, इसमें बहुत सारे डिजाइन आ सकते हैं, जो मार्केट में मिल जाएंगे उनको लगा देंगे। अच्छा अच्छा। तो ये सेंटर टेबल की बात करें तो सर ये कौन सा मटेरियल लगा रखा है? ये भी सर गिलास है, ये भी लेकर गिलास ही है, इसमें कलर और ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। और ये वाले सारे गिलास है? हाँ सर ये सारा ग्लास है, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास। वाओ बहुत शानदार लग रही है जी। इसके अंदर भी ड्रॉर्स हैं या नहीं? सर इसके अंदर ड्रॉर्स नहीं, इसमें ड्रॉर्स नहीं है। अगर अच्छा हमारे व्यूअर्स लगवाना चाहें तो ड्रॉर्स लग सकते हैं? हाँ सर राउंड में नहीं लग पाएंगे, जो वैसे बनाएंगे सेंटर वाला उसमें लग जाएगा। अच्छा अच्छा, स्क्वायर में इसमें, तो इसमें स्क्वायर वाले में लग सकते हैं जी सर। ठीक है। अभी हम डाइनिंग टेबल की बात करते हैं, यहाँ पर डाइनिंग टेबल का क्या मटेरियल रहता है? सर ये इटालियन मार्बल है। ओके। इसका साइज है 6x3.5। ये पॉलिस्टर पॉलिश हो रखी है। ओके। नीचे हमने सारी HDMR लगाई है बेस के अंदर। अच्छा, ये प्योर पॉलिश करी हुई है सर, आप अच्छा, देख सकते हैं। वाह बहुत शानदार, बहुत अच्छा बेस लग रहा है इसका।
ठीक है। और अच्छा, अगर डाइनिंग टेबल की बात करें तो कहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है सर? हमारी जो डाइनिंग टेबल स्टार्ट हो जाती है वो 50,000 रुपये से स्टार्ट होती है और 2 लाख तक रेंज है हमारे पास में। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। और इसकी बात करें सर, इसका बताइए। सर ये नेचुरल इटालियन मार्बल है। ओके। ये इसका साइज भी 6x3.5 होने वाला है। ठीक है जी। और पॉलिस्टर पॉलिश है। इसके नीचे हमने क्या रखा है सर, SS का बेस लगवाया है, 304 SS बेस है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। और बच्चे आजकल ये ट्रेंड में है, मैंने देखा है कि जो SS का बेस लगाते हैं ना आजकल सेंटर टेबल में या डाइनिंग टेबल पे, काफी ज्यादा अच्छा ट्रेंड में भी है। यहाँ पर ये मार्बल लगा रखा है, तो इसकी जगह और कौन कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं सर? इसमें काफी सारी वैरायटी आती है, जैसे शुरुआत करेंगे हम कंपोजिट से। अच्छा। उसके बाद फिर आएगा ओनेक्स, कंपोजिट ओनेक्स आएगा, फिर इटालियन, फिर ये आपका आ जाएगा नेचुरल। अच्छा, तो हर एक तरीके का आपके पास ये मार्बल है, मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाएगा सर। ठीक है जी। और ये चेयर्स की बात करते हैं तो इसमें कौन सा मटेरियल लगा रखा है सर? ये जो आप वर्क देख रहे हैं ये पूरा टीक वर्क है सारा, ये प्यू पॉलिश करी हुई है हमने इसमें। ठीक है। ये स्वेड कपड़ा लगा हुआ है। ठीक है जी, ठीक है। और ये हम घुमा के दिखाएंगे किस तरह का डिजाइन है। इस तरह से आप इसका डिजाइन देख सकते हैं, कितना प्यारा डिजाइन है। क्या बात है जी, काफी अच्छा स्टिचिंग का काम दे रखा है। और ये लेग्स जो है ये भी टीक वुड के? हाँ सर, सारी ये टीक वुड है, जितनी आप देख रहे हैं ये कैप्स लगी हुई है ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब अगले पे आते हैं, अगले डाइनिंग के बारे में। इसके अंदर भी यही है, इटालियन मार्बल लगा हुआ है सर ये। ओके, इसका भी SS का बेस है। अच्छा, इसका भी SS का है? जी बिल्कुल सर, डिजाइन अलग है बस थोड़ा, ये फर्क है। ठीक है जी, काफी अच्छा लग रहा है ये भी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी अच्छा, इसमें दो तरह का फैब्रिक लगा हुआ है। जी जी, स्वेड और वेलवेट सर। हाँ जी, हाँ, बाकी ये सारा टीक वर्क है। जी जी बिल्कुल। और चेयर्स में सारा टीक वुड का काम रहता है या फिर कोई और वुड का भी काम सर? होता टीक है वुड ही चलती है इसके अंदर सर। अच्छा, टीक वुड ही चलती है। एक चलती है मापा बीनियर होती है, उसमें पॉलिस्टर पॉलिश हो जाती है। अच्छा अच्छा, एक ही मैं देख रहा था, यहाँ सेंटर टेबल रख रखी है, बहुत अच्छी शाइनिंग भी आ रही है इसके अंदर। और ये इसका बेस भी SS का रखा हुआ? हाँ सर, ये भी 304 SS का बेस है पूरा, PVD कोटेड। बहुत बहुत बढ़िया। इसके पॉलिश कर रखी है इसके ऊपर? हाँ सर, इसके ऊपर पॉलिस्टर पॉलिश की हुई हमने। अच्छा, पॉलिस्टर पॉलिश है इसके ऊपर, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या बात है जी, यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल भी देखने को मिल रहा है आपको ये, ठीक है। तो ड्रेसिंग टेबल का बताइए मुझे जरा ये। हाँ सर, हमारी ड्रेसिंग टेबल ये जो है विदाउट स्टोरेज है, ऊपर स्टोरेज नहीं है सर इसकी, इसके नीचे स्टोरेज है। इसकी जो प्राइस रेंज होने वाली है वो 18,000 से स्टार्टेड है। अच्छा, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे इसके अंदर स्टोरेज है सर। ओके ओके, पूरा काफी बड़ा स्पेस है इसमें। जी बिल्कुल सर। और इसके अंदर ये है आपका टच वाला, आपको लाइट भी मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, इसमें LED इस तरह से टच वाली, तो लाइट आजकल काफी ट्रेंडिंग में भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें ड्रॉर्स भी दे रखे हैं बिना हैंडल के इसमें? हाँ सर, इसमें ये हैंडल लेस ड्रॉर्स है, इस तरह से खुल जाएगी। ओके, ये बंद हो जाएगी। काफी बड़ा स्पेस है इसके अंदर। बिल्कुल सर, इसके अंदर हैंडल्स लगाए हुए हैं, कुछ लोग ना हैंडल्स मांगते हैं तो उनके हैंडल्स अलग हैं। जी ठीक है। अच्छा, इसमें कस्टमाइजेशन जैसे चाहते हैं तो हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, छोटा बड़ा साइज, छोटा बड़ा साइज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, हैंडल्स नोब्स वगैरह चेंज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और ये लाइट का डिजाइन देख रहे हैं आप, ये भी चेंज हो जाएगा सर, इसमें 3-4 तरह के लाइट डिजाइन आते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। और इसका बताइए सेंटर टेबल रखी थी यहाँ पर? सर ये 22,000 रुपए की है और इसका साइज है 4x2। ये व्हाइट ओनेक्स लगा हुआ है सर, कंपोजिट व्हाइट ओनेक्स। अच्छा अच्छा, इसके अंदर दराज है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ओके, पूरी माइका से फिनिश है। जी जी बिल्कुल, ठीक है, बाकी काफी शानदार लग रही है। और ये सेंटर टेबल है? हाँ, ये 3x3 राउंड में है, ये सारा फ्लूटेड वर्क किया हुआ है, ये पूरा HDMR लगा हुआ है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से गाइस अपने डिजाइन लाकर भी आप बनवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग रहती है, तो आप किसी भी तरीके का होम फर्नीचर यहाँ पर कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। ठीक है जी, अभी हम यहाँ पर आते हैं डाइनिंग टेबल पर, इसके बारे में बताइए मुझे। सर ये 4x4x3 का साइज है। ओके, 4-सीटर बोलेंगे इसको सर, इस तरह से देखेंगे इसकी चेयर्स है। ठीक है। अच्छा, ये सारा टीक वुड में है क्या? हाँ सर, ये सारा जितना आप देख रहे हैं सब ये टीक वुड है। बहुत शानदार, ये वेलवेट इसमें कपड़ा लगा हुआ है सर सारा। अच्छा अच्छा, जैसे कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो भी लग जाते हैं? हाँ सर, डिजाइन चेंज चाहिए, जैसे यहाँ पे लाइनिंग इस तरह से आपको अगर डिजाइन चेंज कराना है, एक ये पैटर्न होता है, एक और होता है इसमें बर्फी पैटर्न होता है सर। अच्छा, वो भी इसके अंदर हो जाएगा। जी जी ठीक है। और यहाँ पर जो ये टेबल के यहाँ पर लेग्स लगा रखे हैं, ये भी टीक वुड में है? हाँ सर, ये सब सारा टीक वुड है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए अगली पर आते हैं हम, ये वाली कौन सी डाइनिंग टेबल है? ये सर रीजन एपॉक्सी बोलते हैं इसको, रीजन वाली। ठीक है ठीक है ठीक है। काफी ज्यादा मेरे ख्याल से ये ट्रेंडिंग में भी आजकल काफी ज्यादा अच्छे डिजाइन बनाते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल, ठीक है जी ठीक है। और नीचे, और ये आपका MS लगा हुआ है, इस पे पाउडर कोटिंग हो रखी है, मैट ब्लैक मैट। ठीक है जी। अच्छा, और ये वाला इसके चेयर्स का? ये स्वेड है, इसके ऊपर सारा स्वेड लगा हुआ है, स्वेड लगा हुआ है। ये भी टीक वर्ड है सारा। ठीक है जी, स्वेड का काम कर रखा है यहाँ पर, आप चाहें तो चेंजेस भी करवा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, बाकी टीक वुड का काम है इसमें। और ये 4 चेयर है ना? हाँ, 4 चेयर का सेट है ये। हाँ जी सर। ठीक है, ये 6 चेयर का सेट आ गया यहाँ पर। हाँ। इसके बारे में बताइए क्या मटेरियल रहता है यहाँ पर? ये सर डायना मार्बल है। ओके। और इसका जो साइज है 5.5x3 है सर। ठीक है जी। और इसके अंदर भी सारा सब टीक लगी हुई है, ये स्वेड फैब्रिक है। ठीक है, ओके ठीक है जी। अगली बार आते हैं एक बार हम, और ये वाला बताइए।
ये सर इटालियन मार्बल लगा हुआ है। ठीक है जी। ये 6x3 साइज है। ओके। और इसमें बेस कौन सा है जी वाला? सर बेस आप देख सकते हैं इस तरह से इसका, मैं एक मिनट इधर से दिखा देता हूँ आपको, अच्छे से नज़र आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है जी। तो ये बेस कौन सा, वुडन का ही बेस है? ठीक है ना? ये सर मापा बीनियर लगी हुई है, इसके अंदर पॉलिस्टर पॉलिश हो रखी है। अच्छा, मापा बीनियर का ये। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चेयर्स भी यहाँ पर टीक वुड का काम कर रखा है। बिल्कुल सर, देख सकते हैं आप। बहुत बढ़िया जी। यहाँ पर ये लेग्स भी टीक वुड के लगा रखे हैं। मोस्टली चेयर्स पे टीक वुड का ही काम होता है वैसे जी। बिल्कुल सर। ठीक है जी, ओके। अभी अगली बार आते हैं, अगली का बता दीजिए। ये भी सर इटालियन मार्बल है, इसका 3.5x6 साइज है। ओके। ये सब सारा टीक वुड हो रखा है और ये कार्बिन वर्क है सर, जितना आप सारा ये देख रहे हैं कार्बिन वर्क है सर। हाँ जी, हाँ जी, ये काफ़ी अच्छा कार्बिन यहाँ पर देख रखे हैं। यहाँ पर ये बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया टेबल चेयर दोनों लग रही हैं, बहुत बढ़िया। यानी कि पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है टीक वुड का इसके अंदर। बिल्कुल सर। ठीक है, यहाँ पर ये टेबल का भी देखेंगे, चेयर का भी देखेंगे, टीक से बनी है सारी ये। इसमें 3-4 डिजाइन आ सकते हैं सर, जैसे इसकी यहाँ पे इस तरह से है। हाँ जी, आप ये देख सकते हैं इसके अंदर राउंड है। अच्छा अच्छा, इस तरह से भी आप डिजाइन चेंज करा सकते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, डिजाइन भी अलग रहेंगे। यहाँ पर जो ऊपर मार्बल लगा रखा है ये भी अलग रहेगा। हाँ सर, ये भी ये कंपोजिट मार्बल है सर। कंपोजिट मार्बल है। ठीक है, शुरुआत है सर। जी जी, बिल्कुल। सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि जैसी चीज है ना वैसी आप बता रहे हैं लोगों ने। लोग ना काफी ज्यादा डिफरेंट बता देते हैं, थोड़ा सा मतलब अलग से जो है मटेरियल होता है वो अलग बता देते हैं। जी जी जी। ठीक है, और इसके बारे में बताइए सर। ये भी इटालियन मार्बल है। ये भी इटालियन मार्बल है सर। मैं आपको एक यूनिक आइटम दिखाता हूँ जो हमारे कस्टमर ने अपने डिमांड के अकॉर्डिंग तैयार करवाया है। ये आप देख सकते हैं ऊपर पूरा ग्लास लगा हुआ है, ग्लास के बाद इसके अंदर 10 दराज हैं। 10 दराजों के अंदर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग काम किया हुआ है। इसके अंदर से वो चश्मे रख लेंगे, इसके अंदर वो वॉच रख लेंगे सर, और इसके अंदर सॉफ्ट क्लोथ चैनल लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, और इसके अंदर बेल्ट वगैरह रख लेंगे सर। और लास्ट में आप देखेंगे उन्होंने पूरा प्लान लिया हुआ है सर इसमें। तो एक बार मुझे बता दीजिए कि आपके जो शोरूम में विजिट करने के लिए कहां पर आना पड़ेगा उनको? सर ये कीर्ति नगर पड़ेगा आपका, फर्नीचर ब्लॉक 73 नंबर, कीर्ति नगर।